हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। किसान आंदोलन का आज पांचवा दिन। किसान दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। ये बैठक करीब दो घंटे तक चली। किसानों का कहना है कि हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। किसानों का कहना है कि हम चार महीने भी रोड पर बैठ सकते हैं। वहीं किसानों ने साफ किया है कि हमारे मंच पर किसी भी दल का नेता नहीं आएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बुराड़ी खुली जेल की तरह है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि बातचीत के लिए रखी गई शर्त किसानों का अपमान है। हम बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन पार्क नहीं है, एक ओपन जेल है। बहादुरगढ़ में आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। गज्जन सिंह नाम के शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बहादुरगढ़ बाईपास पर मौजूद न्यू बस स्टैंड के पास हादसा हुआ। बता दें कि किसान लुधियाना के खटरा भगवानपुरा गांव का रहने वाला था। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने बहुत ही ओछी भाषा का प्रयोग किया है। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ये उचित नहीं। किसानों को दिल्ली जाने को रोकने के सवाल पर सीएम ने कहा कि किसानों पर जो पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनको वे फोर्स नहीं मानते बल्कि एक अवरोधक मानते हैं। कोरोना काल को देखते हुए किसानों को रोकने का फैसला लिया गया था। हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। दरअसल पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए जाने के बाद ये धन्यवाद समारोह वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण के ग्री सेंटर में बने प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साइंटिस्ट हॉस्टल का भी अनावरण मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी अहम मुद्दों पर बातचीत की। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच बड़ी तल्खी को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम को इतना अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के सीएम भी जनता के द्वारा ही चुने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब ने हमेशा से हरियाणा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं मानता और हरियाणा को एसवाईएल का निर्माण नहीं करने देता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब ने अपने किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यही कारण है कि पंजाब का किसान खाद के लिए हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पंजाब की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को किसान के रूप में दिल्ली भेजा है। किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 दिन से जारी है। चौथे दिन भी किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं। किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन किसान बुराड़ी मैदान न जाकर रामलीला मैदान जाने की जिद पर अड़े हैं। राय की कुंडली बॉर्डर पर भी किसान इसी मांग को लेकर अड़िग हैं।
किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी, उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वे बॉर्डर पर ही रुकेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। सोनीपत पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमिश्नर ने कुंडली बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रशासन ने माना कि कुंडली बॉर्डर पर पंजाब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें शरारती तत्व भी हो सकते हैं, जिसको लेकर कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में रात के समय महिलाओं को ड्यूटी पर नहीं बुलाने के लिए उद्योग मालिकों को गाइडलाइंस जारी की गई है। पुलिस विभाग ने कई सुरक्षा टुकड़ियां भी नियुक्त कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि किसान कुंडली बॉर्डर पर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का चौथा दिन है। बड़ी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी है। उधर नगर परिषद द्वारा पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने किसानों की मदद और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान पहुंचने शुरू हुए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का सिलसिला भी जारी है। पंजाब और हरियाणा से चले किसान अब दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इन किसानों को अब हरियाणा और दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। गोहाना से दिल्ली किसानों की मदद के लिए जा रहे किसानों ने बताया कि पंजाब के किसान तीन कृषि कानूनों के विरोध में जब पंजाब से यहां आ सकते हैं, तो उनका भी हक बनता है कि वे इन किसानों की मदद करें। सीएम मनोहर लाल के मुख्य सचिव अभिमन्यु ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के सीएम को की गई कॉल की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि आपके निजी कर्मचारियों ने आपको आधिकारिक क्षमता में बने अन्य मुख्यमंत्रियों के फोन के बारे में जानकारी नहीं दी। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर के सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले फल और सब्जी का आयात रुक गया है। सब्जियों के भाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना की सब्जी मंडी में पंजाब से आने वाला आलू अब नहीं आ रहा, जिससे भाव बढ़ चुके हैं। करीब 50 प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा देखने को मिला है। सेब पहले 80 से 90 बिकते थे, अब वो 120 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि पीछे से फल का आयात कम हो रहा है, जिससे फलों के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। फल ज्यादा महंगा होने की वजह से ग्राहक फल को देखने के लिए आते हैं और ज्यादा महंगाई होने की वजह से वापस चले जाते हैं। ग्राहकों का कहना है कि फल और सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे खरीद करना मुश्किल हो गया है। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी सब्जियां महंगी होने वाली हैं, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी चुना गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बल्लभगढ़ में एक महिला पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के लिए एक तरफा प्यार का कारण बताया जा रहा है। महिला ने बताया कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था। महिला लगातार 3 दिनों से पुलिस को फोन कर रही थी और शिकायत भी कर रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी ने महिला के घर में घुसकर महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। बता दें कि महिला शादीशुदा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में सेक्टर 2 की सड़कों का निरीक्षण किया।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने टूटी हुई सड़कों को जल्द बनवाने की घोषणा करते हुए कहा कि इन सड़कों का काम एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। मूलचंद शर्मा ने ओबीसी वर्ग को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में 8% आरक्षण दिए जाने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार के सम्मान में आयोजित धन्यवाद समारोह में भी शिरकत की। ये कार्यक्रम आदर्श नगर ऊंचा गांव के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए सीएम का धन्यवाद किया, साथ ही कोरोना काल में नियमों का पालन करने की अपील भी की गयी। पलवल के कारना गांव में एक 20 वर्षीय प्रवीण नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयोग हथियार और मृतक के जूते बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 3-4 महीने पहले उनका प्रवीण से झगड़ा हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने प्रवीण को ककराली बुलाया, पहले बैठकर शराब पी और उसके बाद प्रवीण के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को पास के कुएं में डालकर फरार हो गए। कैथल के किसान ने पराली का कारोबार शुरू कर लोगों के लिए मिसाल पेश की है। साथ ही पराली प्रबंधन के जरिए फर्श माजरा गांव के वीरेंद्र यादव ने 200 लोगों को रोजगार भी दिया है। उनकी कामयाबी पर नजर डालें तो महज 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा किसान वीरेंद्र यादव ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई। पराली जलाने की जगह ऐसे समाधान खोजा गया कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए। 32 वर्षीय वीरेंद्र यादव को ऑस्ट्रेलिया की स्थायी नागरिकता मिल चुकी थी, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा, जिसके बाद वो पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर गांव लौट आए। सिरसा में गुरु नानक देव जी की 551वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में विराजमान किया गया। पालकी की अगुवाई गुरु के पंच प्यारे कर रहे थे। पालकी के आगे महिला पुरुष श्रद्धालु मार्ग पर सफाई करते हुए चल रहे थे। पालकी के पीछे संगत शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने शानदार कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद दिया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन के रूट को सीमित किया गया था। कीर्तन में शामिल लोगों ने मास्क भी पहने हुए थे, प्रसाद भी पैकिंग में दिया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा चिल्ला साहब से शुरू होकर सूरत गड़िया बाजार, रोड़ी बाजार, शिव चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। करनाल में रामनगर के काछवा रोड पर बने पावर हाउस के ट्रांसफार्मरों में शनिवार देर रात भयंकर आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त पावर हाउस में कुछ कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते सभी बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पावर हाउस में लगी आग पर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1809 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 489 मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 380 नए केसेस सामने आए हैं। सोनीपत में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 26 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना के 2794 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 18,905 एक्टिव मरीज हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट 90.84 पर पहुंच गया है। पंचकुला में नए 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं पंचकुला में कोविड रिकवरी रेट 92.5% है। पंचकुला में अब तक कुल 127 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने मामले की पुष्टि की है।
पंचकुला में मौजूद समय में केवल 521 कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में अब तक 175 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि आज आए 30 कोरोना संक्रमित मरीजों में से और ट्रेस किए गए मामलों को मिलाकर पंचकुला जिले के 64 मरीज शामिल हैं। जैसे जैसे कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटाइन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों में जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया और हजारों लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2500 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के कोरोना टीम के इंचार्ज डॉक्टर शरद तूली ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए गए। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्ट की शुरुआत की। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग वहीं से कोरोना टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी या वार्ड के शुरू कर देता है। इसके पीछे की मंशा यही है कि बड़े स्तर पर कोरोना को फैलने न दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई। वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां मास्क को लेकर अलग अलग राज्य भारी जुर्माना वसूल रहे हैं, वहीं जाखल में कोविड 19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहा। लोग चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने जरूर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस के जाते ही मास्क को उतार देते हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब देने की योजना बनाई है, लेकिन ये टैब 12वीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को सौंपना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास के 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्रों को ये सुविधा दी जाएगी। टैब देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। पुस्तकालय की तर्ज पर इस योजना में टैब विभाग की संपत्ति होगी, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। टैब में प्री लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।